गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेकअप लुक। अभी आप मेरे फेस पे जो देख रहे हैं, तो अगर आप जानना चाहती हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है या कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आप मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपके साथ एक आई शेडो पैलेट शेयर किया था W7 का, उसे यूज़ करके मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट भी किया था और सेम आई शेडो पैलेट को मैंने आज भी यूज़ किया है ये स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उसमें जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी पिगमेंटेड है, थोड़ा सा पाउडरी है, फॉल आउट भी होता है, लेकिन पिगमेंटेड है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे यूज़ करके एक मेकअप लुक और क्रिएट किया जाए, क्योंकि मुझे स्मोकी आई जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप डे टाइम के लिए वेयर करें या नाइट टाइम के लिए। तो आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इसकी जो रियल इमेज होगी नेचुरल लाइट की, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, जिससे आप इसकी रियल इमेज भी देख सके कि नेचुरल लाइट में ये मेकअप लुक कैसे लगता है। आज के मेकअप में मैं सबसे पहले अपना आई मेकअप करूंगी, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ कंसीलर और ये है मेबलिन का फिट मी कंसीलर। आई मेकअप को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए मैं दो आई शेडो पैलेट यूज़ करूंगी, पहला है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट और दूसरा है W7 का। तो सबसे पहले मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और इसमें से इस लाइट शेड को मैं अपनी पूरी आई लिड पर प्लेस करूंगी। क्योंकि W7 का जो आई शेडो पैलेट है उसमें कोई भी मैट शेड नहीं है, तो इसलिए मैं यही शेड पहले यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड से। मैं यूज़ कर रही हूँ W7 का आई शेडो पैलेट और इसमें से इस ब्लैक शेड को मैं अपनी आईलिड पे प्लेस करूँगी, सिर्फ आईलिड पे, आईलिड से बाहर मैं उसे नहीं प्लेस करूँगी, क्योंकि ब्लेंड करते टाइम भी जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए मैं फिर से वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और सेम लाइट ब्राउन शेड की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी।
दो लेस लाइन को स्मोक आउट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से इस डार्क ब्राउन शेड को मैं यूज़ करूँगी। मेरा फाइनल लुक, होप फिर ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।